हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को रिवाइज़ किया जा सके जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। और इस क्रम में हम लोगों ने अभी तक जो है देखा जाए तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म कर लिया है। सुबह हम लोगों ने PYQ पार्ट की टू वन किया था। सो अभी हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का PYQ पार्ट टू करेंगे, ठीक है। और इस PYQ पार्ट टू में हम लोग 2005 से पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। सो अभी का जो सेशन होगा ये पूरा डेडिकेटेड होगा 2000 पहले से पूछे गए नीट UG के क्वेश्चंस के बारे में। और जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ, हेलो स्वाति, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है, उससे रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है, तो ओवरऑल रिवीजन हो जाता है हमारा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का। सो इट इज़ वेरी यूजफुल, है ना। आप लोग अगर अभी नए हैं तो इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, सारी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो लेट्स क्रैक इट। और इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो भी आपका PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं, और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। ओके, और अगर आप अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और उन सारे बहुत सारे बेनिफिट्स में क्या क्या है कि आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपके लाइव टेस्ट और क्विजेस होंगे वहाँ पे, ताकि ये पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। गुड आफ्टरनून नितिन, गुड आफ्टरनून। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको डाउनलोडेड वीडियोस मिल जाते हैं उस लेक्चर के, जिससे आप करंट क्लास के साथ आसानी से कॉपअप कर पाए। साथ ही साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपका जो एजुकेटर है आप उससे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, आप उसके टच में रह सकते हो। तो जब आप एजुकेटर के टच में रहोगे तो प्रिपरेशन कैसी जा रही है, आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो, उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। सो प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, प्लीज गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। हेलो सतीश। और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बहुत ही कम दाम पे। आप देख सकते हैं 2 साल की फीस ओनली 36,000 है, और 1 साल की फीस आप देख सकते हैं 30,000 है। ये मैं मंथली प्लान्स के लिए नहीं प्रिफर करता हूँ, आप लोगों को कभी नहीं सजेस्ट करूंगा, इंकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसमें तैयारी नहीं हो पाएगी, आप 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर प्लान, ताकि एक लॉन्ग टर्म में आपकी तैयारी हो सके। साथ ही साथ जब आप ये प्लान खरीदते हैं तो मेरा कोड SHUBH यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 36,000 का प्लान है ये आपको बस इतने का पड़ेगा। और इस प्लान ये जो पेमेंट है ये आप EMIs में भी कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी चीप, ठीक है। और सारी सुविधाएं आपको यहाँ जो एक नॉर्मल क्लासरूम में मिलती हैं वो सारी मिल जाती हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आया होगा। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये 2005 के बाद के सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ आगे लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप चेक कर सकते हैं, ये सारे 2005 के बाद के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। सो आपको बता दूं ये फैक्चुअल सवाल था, ये फैक्चुअल था, ठीक है। और ये फैक्ट होता है ग्लाइकॉल को, ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज, ठीक है, ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहां पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहां करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ग्लाइकॉल इज द आंसर, यहां पर ग्लाइकॉल आपका आंसर था। और ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इस पे बहुत ज्यादा हम लोग माथापच्ची नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट है ना, इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन इज। सो ये हम लोग सुबह ही अभी क्वेश्चन किए थे,
एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक तो वो प्योर वाटर की मोलरिटी वाला सवाल और ये 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन की मोल फ्रैक्शन वाला सवाल, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, इनको मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। सो ये आंसर आता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, ठीक है, और आंसर आता है इस केस में 0.0177 आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होता है, जो लोग नए आए हैं एक बार मैं बता भी दे रहा हूं, 1 मोलर का होता है, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या है, यहाँ वाटर है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब 55.55 मोल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 1 मोल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5, 55.55 यानी कि 56.55, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.0177। तो इस तरीके से आता है, ये ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके थे, जो सुबह स्लाइड मैंने डिस्कस की उसमें था ये। सो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 × 10⁻³ - 3 मोलल सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सो मोलैलिटी इज गिवन, मोलैलिटी इज गिवन 10⁻³ मोलल दिया हुआ है ना। कह रहा है PtNH3 4, और ये फॉर्मूला ऐसे रैंडमली लिख दिया है। जनरली आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, और नंबर ऑफ आयन्स हमको उसी हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ हमको ये नहीं बताया प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, बस ऐसे केवल फॉर्मूला लिख दिया है ना। अब कह रहा है कि ये डिप्रेशन कितना शो करता है, डेल्टा TF कितना आ रहा है, डेल्टा TF कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0054 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विल बी, सो स्ट्रक्चर का आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी से क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी से आपको ये पता चल जाएगा कितने आयन दे रहे हैं, है ना। आई वैल्यू आप निकाल लीजिए, सो हमको यहाँ आई बेसिकली कैलकुलेट करना है। आई अगर देखें तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। सुबह हम लोगों ने जो सीरीज सॉल्व की थी वहां भी हमने देखा था कि TF वाले सवाल बहुत ज्यादा थे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM का कोई सवाल आप छोड़ के मत जाइएगा, ओके? तो डेल्टा ये आ जाएगा 0.0054, आई की वैल्यू हमको निकालनी है, KF की वैल्यू कितनी होती है, 1.86 होती है, और M की वैल्यू कितनी दे रखा है, M का वैल्यू दे रखा है आपका ये 10⁻³। तो यार आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.0054 इंटू 1000 हो जाएगा, 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो, सो ये 1.86, और इसको जब हम ये कर लेंगे, इसको जब हम लोग ये कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 1.86, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 3। सो आई वैल्यू 3 आ रही है, आई वैल्यू 3 होने का मतलब क्या हुआ कि आपको 3 आयन मिलने चाहिए। यहाँ अगर देखो तो 4 क्लोराइड मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो यहाँ आई वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ 3 1 4, यहाँ 4 आ रहा है आई वैल्यू, यहाँ 2 1 3, इस केस में 3 आ रहा है, इस केस में 2 आ रहा है। सो 3 कहाँ आ रहा है हमारा, ऑप्शन 3 में आ रहा है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके? सो ये वाला जो सवाल था ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक वर्नर थ्योरी वाला कंसेप्ट है उसको मिला के किसके साथ, ये डेल्टा TF के साथ मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये दोनों जगह से मैच करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के भी सवाल हम लोगों ने सुबह काफी किए थे। K3FeCN6 को अगर देखा जाए तो K3FeCN6 टूटता कैसे है, K3FeCN6 जो है वो टूटेगा 3K+ FeCN6 3- में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि किसका वांट ऑफ फैक्टर यहाँ 4 है, तो यहाँ देखो 2 1 3 है यहाँ वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ देखा जाए तो 1 3 4 है, यहाँ देखा जाए तो 5 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। कैसे है आप इनको तोड़ के देख सकते हैं। सो 4 हमारा मैच कहाँ पर कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन में कर रहा है, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाइएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाई 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ। सो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू होता है ICRT।
सो अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ कंसेंट्रेशन, द आई वैल्यू विल बी डिसाइडिंग, आई वैल्यू डिसाइड करेगा कि किसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर. सो आई वैल्यू अगर हम ग्लूकोज की देखें तो 1 होती है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. यूरिया को भी हम अगर देखें तो यूरिया की भी 1 होती है क्योंकि ये भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. और अगर CaCl2 को देखा जाए तो CaCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये Ca और 2Cl- Ca2+ 2Cl- में टूटता है. सो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है. वहीं हम अगर KCl को देखें तो ये K प्लस और Cl माइनस में टूटता है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आता है, 2 आता है. सो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो CaCl2 सॉल्यूशन का हाईएस्ट होगा. सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन. डी ऑप्शन क्या है सर, डी ऑप्शन KCl था, डी ऑप्शन KCl है, डी ऑप्शन जिसको नहीं पता है डी KCl था, KCl था, ठीक है, डी ऑप्शन KCl है. पढ़ते हैं आगे. अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सोल्यूशन इज इक्वल टू, भैया ये नीट के आर्काइव्स करा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि क्या हलवा सवाल ला दिए, है ना, ये नीट के आर्काइव्स हैं, यही पूछे गए हैं, मैं क्या करूं, है ना. तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. बढ़ते हैं आगे. द कंसंट्रेशन यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, सो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वो होते हैं हूज डिनोमिनेटर, हूज डिनोमिनेटर इज मास और मोल, ठीक है. और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, हूज डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम होगा वही जो है टेम्परेचर के साथ बदलेगा, ठीक है. तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी अगर देखी जाए तो नॉर्मेलिटी डिपेंडेंट होती है. वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम में डिपेंडेंट क्या होता है, डिवाइड करते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, तो ये चेंज होगा. मोलैलिटी में किससे डिवाइड करते हो, मास से डिपेंड, मास से डिवाइड करते हो. सो दिस इज इंडिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. और मोलैलिटी क्या होता है, वॉल्यूम से तो डिपेंड करेगा. सो यहां पर जो आपकी मोलैलिटी है किसी सॉल्यूशन की, या मोल फ्रैक्शन है, या परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, ये सारी चीजें आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन में मास आता है और मास टेम्परेचर बढ़ाने पर नहीं बदलता है लेकिन वॉल्यूम बदलता है. तो जिनमें वॉल्यूम एक्सप्रेशन टर्म में होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, जिनमें नहीं होता है वो डिपेंड नहीं करते हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है. बढ़ते हैं आगे. कह रहा है इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड इज कॉन्स्टेंट एट, ठीक है. सो जरा ये बताइएगा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सोचिए, ऑप्शन दीजिए मुझे, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बताइए. बताइए जल्दी से. आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसका. नितिन का 1 बोल रहा है. अच्छा, खाली नितिन ने आंसर दिया है. हाँ देखिए, जब इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, द प्रेशर ओवर वेपर एवरी लिक्विड इज कॉन्स्टेंट. तो भैया देखो, ये है लिक्विड और ये रहा वेपर, तो हम अभी इक्विलिब्रियम है तो कुछ वेपर प्रेशर होगा. तो जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हाई टेम्परेचर करोगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. तो कांस्टेंट टेम्परेचर मत बदलना, टेम्परेचर नहीं बदलोगे इक्विलिब्रियम नहीं चेंज होगा, इक्विलिब्रियम नहीं शिफ्ट होगा तो आपका वेपर प्रेशर भी नहीं बदलेगा. सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें सीधा सीधा आंसर है कि ये सारा कुछ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होगा. बात करते हैं आगे की.
कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सी सी एल फोर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mmHg। इफ 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मॉलिकुलर वेट इतना इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सी सी एल फोर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। सो लेट द वेपर प्रेशर बी पी एस आफ्टर एडिशन। ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मान लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करने के बाद वेपर प्रेशर पी एस होगा। सो पी नॉट कितना दिया हुआ है? पी नॉट आपको 143 mmHg दिया हुआ है ना, 143 mmHg दिया हुआ है। तो भैया डेल्टा पी कितना हो जाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? लोअरिंग विल बी 143 माइनस पी एस। सो आर एल वी पी कितना हो जाएगा? आर एल वी पी कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाई पी नॉट। सो डेल्टा पी बाई पी नॉट का मतलब कितना हो गया? 143 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई 143। अब अकॉर्डिंग टू द आर एल वी पी, आर एल वी पी इज इक्वल टू क्या होता है? आर एल वी पी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जरा निकालिए, है ना, आपका सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएंगे? 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 65 यानी कि 1/130 मोल। और जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 100 ग्राम। सो 100 ग्राम का मतलब कितना हो गया? सी सी एल फोर का मास कितना आ जाएगा? आपका क्लोरीन का 35.5 होता है तो 71 दो क्लोरीन का हो जाएगा, 142 आपका 142 हो जाएगा किसका? चार क्लोरीन का और 12, सो 154 आता है, ये इतने मोल हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 1/130 डिवाइडेड बाई 1/130 प्लस 1/154, 100/154, ठीक है, ये आएगा। और ये आएगा तो आप इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लीजिए? बराबर कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर लीजिए। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आता है? पी एस इज कमिंग आउट अप्रोक्सीमेटली 141.3 mmHg, ये आएगा, ठीक है। और ये ऐसे भी अंदाजा लगा दिया जा सकता था कि ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो जो डिप्रेशन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो ये तो सब, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने हैं क्योंकि डिप्रेशन ये दिखा ही नहीं रहे, ये ज़्यादा डिप्रेशन दिखा रहा है, ये कम डिप्रेशन दिखा रहा है, तो ऐसे अंदाजा लगा के भी किया जा सकता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया है, बढ़ते हैं आगे। करा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन्स 98% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। नाइन्टी परसेंट बाई वेट का मतलब क्या होगा? 98% बाई वेट सॉल्यूशन का मतलब होता है, 98% बाई वेट का मतलब हुआ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 98 ग्राम H2SO4, ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 कंटेन कर रहा है। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, क्वेश्चन से आप ये देखा कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी लीटर्स में। ये दो चीजें रिक्वायर हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन मींस हुआ 100 डिवाइडेड बाय 1.84 ml सॉल्यूशन। इतने सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ?
0.1 डिवाइडेड बाई 1.84 लीटर सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 18.4 लीटर सॉल्यूशन। तो हमने जो 100 ग्राम लिया है उस 100 ग्राम का मतलब क्या है, 1/18.4 लीटर सॉल्यूशन है। तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, 98 ग्राम है और आपका सॉल्यूट है कौन, H2SO4 है, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, वो होता है 98 ग्राम पर मोल, तो यानी कि 1 मोल सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन लिए हो उसमें 1 मोल आपका सॉल्यूट है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग कितने वॉल्यूम हो गया, 1/18.4 लीटर हो गया। सो नाउ यू हैव बोथ द वैल्यूज, यू हैव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड एज वेल यू हैव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट। तो आप मोलैरिटी के लिए ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 18.4 मोलर, ठीक है। सो ये आएगा आपका 18.4 मोलर, ठीक है। सो द मोलैरिटी, डिजायर्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया पहला ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, पहला ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि अ 5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है। 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, देखो 5% वेट बाई वॉल्यूम केन शुगर का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। 5 ग्राम इन 100 ml का मतलब हुआ 5 डिवाइडेड बाई 342 मोल इन 0.1 लीटर। सो मोल पता चल गया, लीटर पता चल गया, यानी कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 0.1, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 342 मोलर, ये केन शुगर का हो गया, ठीक है। 1% वेट बाई वॉल्यूम एक्स का क्या मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास इसका एम मान लेते हैं, 1 ग्राम इन 100 ml, 1 ग्राम इन 100 ml का मतलब हुआ 1/m mole इन 0.1 लीटर। सो इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 1/m into 0.1, यानी कि 10/m molar। अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन ये दोनों हैं, ठीक है। सो जब टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम है, सो इसका मतलब आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, पाई वन बराबर पाई टू होता है, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, C1RT बराबर C2RT। तो टेम्परेचर के बारे में कोई कंडीशन दिया नहीं है, इसका मतलब C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा, और जब C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा सो आप ये वैल्यू रख दीजिएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 342 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई m, तो m इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 342 डिवाइडेड बाई 5, और 342 डिवाइडेड बाई 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 68.4 आ जाता है ग्राम पर मोल। सो दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो सब्सटेंस x है, जो अननोन सब्सटेंस x है, दैट्स मोलर मास विल बी कमिंग आउट अप्रॉक्सीमेटली 68 ग्राम पर मोल। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल सबको समझ आ गया होगा, ईजी था, कैसे सॉल्व करना था समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सवाल डिस्कस हो चुके हैं कि ये सब तो एकदम आराम से निकलेंगे ना। अगला सवाल है, द नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm ऑफ मरकरी व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वॉज एडेड टू द सॉल्वेंट। तो पहले ही इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, गिवन है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कितने से कर रहा है, यानी कि डेल्टा पी आपको कितना दे रखा है, 10 mmHg दे रखा है ना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एक्स बी भी दे रखा है कितना, एक्स ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है 0.2,
व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20। तो कह रहा है कि अगर डेल्टा पी, इफ डेल्टा पी इज इक्वल टू 20 mmHg, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, है ना। तो भाई ये चीज हमको, अगर हम पी नॉट निकाल लें, पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो काम हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो बदलेगा नहीं। सो आर एल वी पी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो डेल्टा पी 10 है, तो ये पी नॉट होगा और ये 0.2 होगा, तो यानी कि पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.2। 10 डिवाइडेड बाई 0.2 का मतलब क्या होता है, पी नॉट इज इक्वल टू 50 mmHg। प्योर सॉल्वेंट का आपका 50 mmHg था। तो आप फिर से यहां पे वो अप्लाई कर दीजिए, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो डेल्टा पी कह रहा है अगर 20 है, प्योर सॉल्वेंट तो वही लिए हो ना तुम 50, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 0.4। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर 10 पे 0.2 है तो 20 पे कितना होगा, 0.4 होगा। ऐसे नॉर्मली अंदाजा लगा भी कर सकते थे, लेकिन भाई साइंस पढ़ रहे हो, अंदाजा लगा के सवाल नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट के साथ सवाल करना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट लगा के हमने किया, सारी चीजें एक बार चेक करके की। सो द आंसर वाज कमिंग आउट अप्रोक्सीमेटली 0.4, कि अगर 20 mmHg का डिप्रेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा मूल फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इफ 0.15 ग्राम, इफ 0.15 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी कह रहा है, डेल्टा टी भी कह रहा है कितना हो गया है, 0.216 हो गया है, 0.21 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी वी एलिवेशन इन वॉल्यूम पर, देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, लेट द मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस बी एम ग्राम पर। हाँ, अंदाज गलत हो जाता है, ठीक है, साइंस में नहीं करते, वो इतिहास भूगोल में करते हैं अंदाज लगा के, है ना। लेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस बी एम ग्राम पर मोल। तो यार मास, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई एम, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 15 ग्राम। 15 ग्राम का मतलब हो गया 15 × 10⁻³ kg। तो इसलिए मोलैलिटी कितनी आ जाएगी। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि कभी भी जल्दीबाजी में सवाल गलत करके नहीं आना है, ठीक है। टेन बाई एम विल बी मोलैलिटी, है ना। और के बी दे रखा है कितना, के बी दे रखा है कितना, 2.16 दे रखा है। तो यार डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन मान लो, जब कुछ नहीं दिया होता है तो वन मान लेते हैं। सो डेल्टा टी बी था अपना 0.216 इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 बाई एम। तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम पर मोल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। के बी वैल्यू देखो ये दे रखा है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज ये। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है या फिर के बी बोला जाता है, ठीक है। सो के बी वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, के बी लिखा नहीं है, नाम उसका लिख दिया, तो नाम पता रखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाएगा या फिर क्या कहा जाएगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दोनों टर्म्स अगर यूज करे जा रहे हैं तो इसका मतलब केबी की बात की जा रही है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाए या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या कह रहा है, वो केएफ की बात कर रहा है, ठीक है। आप ये पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ओके, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, सो पी नॉट ऑफ बेंजीन, पी नॉट ऑफ बेंजीन ये दे रखा है 640 mmHg। अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 600 mmHg। सो नया वाला वेपर प्रेशर बोल रहा है, न्यू वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 600 mmHg। वॉट इज द डिप्रेशन, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज 40 mmHg हो जाएगा, और आर एल वी पी क्या हो जाएगा, आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 640, और यही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मान लेते हैं जो हमारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका मोलर मास, सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 2.175 ग्राम है, इसका मोलर मास एम मान लो। दूसरा तुम्हारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, C6H6 का मतलब 78 ग्राम पर मोल होता है बेंजीन का मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 39.08 डिवाइडेड बाई 78, ओके ये आ जाएगा। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ऑफ सोल्यूट वो आ जाएगा 2.175 डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई 2.175 डिवाइडेड बाई एम प्लस 39.08 डिवाइडेड बाई 78। इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर करके जब सॉल्व करेंगे, सो ऑन सॉल्विंग वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 65.2। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, वहां मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ओके, सो 65.2 ग्राम पर मोल, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर आपकी स्पेशल स्पेशल क्लासेस अब मैं लूंगा ना, अभी कल से स्पेशल क्लास शुरू कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए, आप सभी लोग रेगुलर रहिए, अब रोज मैं स्पेशल क्लास एक लूंगा 11 बजे से। कल से अपना क्वेस्ट का फिर से मैं एक ही करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था लोग आएंगे लेकिन कोई आता नहीं है क्वेस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे, सो उससे अच्छा है कि मैं स्पेशल क्लासेज ही ले लूँ, है ना, एटलीस्ट फूटफॉल वहाँ ज़्यादा ही रहता है यहाँ के कंपेरिजन में। तो ओके, सो कल 11 बजे से, हाँ कल 11 बजे से स्टार्ट करूँगा, और वो जो मैंने प्लान रखा है वो सबके लिए है, ठीक है। वहाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ फिर भी मैं कम पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन खाली कराता हूँ, मेनली मेरा फोकस क्वेश्चन पे रहता है। वहाँ मैं क्वेश्चन जो भी आएगा, ऑप्शन भी कुछ रहेगा तो उसको भी समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो कल मैं IUPAC से शुरू करूंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हुआ करता हुआ चलूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आज हेलो एल्केन उठा लिया तो हेलो एल्केन ही करूंगा, ठीक है। शाम को वैसे ही नितिन मेरी क्लास शाम को लेट्स क्रैक नीट यूजी पे भी होती है, तो वहां भी आ जाए कीजिए आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। सो ये हमने, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले भी बता चुका हूं कि ये जो प्रोटीन्स या पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव चीजों के लिए आपका सबसे अच्छा मेथड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छा मेथड होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन के लिए, हैंस ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज, है ना। सो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो आपको पता है कि मोलैरिटी किसी भी लिक्विड की जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करिएगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहे जितने अमाउंट के लिए निकालो, भाई मैं 100 लीटर के लिए निकालूं चाहे 100 ml के लिए निकालूं, मोलैरिटी विल बी सेम। सो डेंसिटी, डेंसिटी क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपकी 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
इसका मतलब क्या हुआ, 1 ml हैज 1.17 ग्राम सोल्यूट, ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 10^-3 लीटर। और सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, सोल्यूट क्या है तुम्हारा HCl, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे 1.17, HCl का मतलब होता है 36.5 मोल, ओके। सो इसलिए मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी, देखो मैं कभी भी रिलेशन याद क्रैम करके नहीं चलता, मैं इस यूनिट से ही ये निकाल दूंगा, ठीक है। सो मोल्स का मतलब हो गया 1.17 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 10^-3, तो ये हो जाएगा 1170 डिवाइडेड बाई 36.5, ठीक है। सो ये जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करिए इसको, 1170 डिवाइडेड बाय 36.5, सो ये आ रहा है 32.05 मोलार, मोल्स पर लीटर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन, सबका मेरे ख्याल से ये हो गया होगा। थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये समझ आ गया होगा, ठीक है, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ फॉर्मूला रटे, ठीक है, सीधा यूनिट से निकाल दिया इसको। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग से एक निवेदन है यार कि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए इस कोड को यूज़ करके, SHUBH, प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और प्लस सब्सक्रिप्शन में ये कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, और इन वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिकुलर मास M2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। M2 जो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, सो इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी M2 डिवाइडेड बाई M2, है ना, और वॉल्यूम ऑफ ये इतना है, सो कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, M2 बाई M2 इंटू वी। सो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो हम पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M2 इंटू वी RT। तो क्या निकालना था, कैपिटल M2, सो कैपिटल M2 विल बी इक्वल टू स्मॉल M2 डिवाइडेड बाई वी इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, ठीक है, कैपिटल M2 इज इक्वल टू M2 बाई वी RT अपॉन पाई। सो सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेहल यही जमाना है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, लोगों को उसकी ज्यादा टेंशन है स्ट्रेटजी की, पढ़ाई नहीं करेंगे स्ट्रेटजी पहले बनाएंगे। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, बता दिया कीजिए, लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा इसलिए नहीं देखने आते होंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी वगैरह की बात तो मैं यार अपने लेक्चर में चलते चलते बता देता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाता, ठीक है। वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट कुछ दे के जाना चाहिए, कुछ नॉलेज दे के जाना चाहिए। स्ट्रेटजी में बता के चला गया, आप फॉलो किए नहीं किए, चले देखते हैं। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ में हमने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वही रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब विथ नो डेविएशन। तो नो डेविएशन कब आता है, जब जो अट्रैक्शन वाला AB का अट्रैक्शन फोर्स है, पुराने अट्रैक्शन टर्म्स जो थे बाद के अट्रैक्शन टर्म एक जैसे रहे, ठीक है। सो ये वाले केस में तो यार ग्रेटर हो जाएगा, तो ये निगेटिव डेविएशन होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये जीरो डेविएशन होता है, तो ये वाला फॉलो करेगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। थियोरेटिकल पार्ट था, है ना, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या क्वेश्चन है,
फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, है ना। देखो ये दे रखा है कि प्योर सॉल्वेंट से अगर सेपरेटेड तो इसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा एच वन है, इसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा एच टू है, तो आइडियल कब होगा, आइडियल कब होगा बताना जरा, थोड़ा सा सोच के बताना है इसको क्या होगा, व्हेन इट शुड बी आइडियल। When it should be ideal? है किसी के पास जवाब? डी। अच्छा अच्छा सुनो, देखो प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, प्योर सॉल्यूट से सेपरेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तब जाके सोल्यूशन बनता है ना यार। जैसे मान लो मेरे पास चीनी है, शुगर है, उस दिन किसी को शुगर नहीं समझ आ रहा था, शुगर जब तक टूटेगा नहीं, पानी आपस में जो बॉन्ड बनाया वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा, और जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक सोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो यानी कि पहले ये क्या करता है, प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बनाता है डेल्टा एच वन, प्योर सॉल्यूट से सेपरेटेड ये बनाता है डेल्टा एच टू, और फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन का डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री होगा, ठीक है, ये होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भाई तुम शुगर सोल्यूशन बनाते हो तो पहले जो शुगर के बीच का लैटिस है वो तोड़ोगे ना, C6 जो भी है, C12H22O11 हो है, वो एक एक मॉलिक्यूल जब तक अलग नहीं होगा तब तक डिजोल्व नहीं हो पाएगा ना, है ना। उसी तरीके से वाटर जब तक वो सॉल्वेशन नहीं करेगा, जब तक वो सॉल्वेशन नहीं करेगा सॉल्यूट का तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना, और सॉल्वेशन करने के लिए उसको अपने घर से निकलना होगा, अपने बॉन्ड जो उनके बीच का बॉन्ड है वो जब तक वीकिंग नहीं होगा तब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। सो ये सम आ जाएगा, पूरा हैसला लग जाएगा बेसिकली, ओके हैसला जानते हो ना, ठीक है। कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन बिकॉज, बताना जरा, कैम्फर समझते हो ना, कैम्फर समझते हो ना, कपूर, क्यों कपूर को यूज किया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, केएफ वैल्यू बहुत हाई होती है, केएफ वैल्यू इज वेरी हाई, है ना, वोलेटिलिटी के चलते नहीं होता है, इसका केएफ वैल्यू हाई होता है। तो देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू जब केएफएम कर दोगे तो केएफ वैल्यू जब हाई होगा, सो एम अगर बहुत कम भी लेते हो ना किसी चीज का, मान लो मुझे ट्रेस अमाउंट मिला, मैं चंद्रमा पे गया या चंद्रमा कोई उल्का पिंड आके पृथ्वी पे टकराया और उसमें कोई बहुत छोटा सा आइटम है, छोटा सा है बहुत, है ना, तो क्यों 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 हम उसको बहुत छोटा अमाउंट है, हम उतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते कि उसका पूरा अमाउंट हम एक्सपेरिमेंट में ही निकाल दें। तो थोड़ा सा अमाउंट भी अगर मैं लूंगा तो केएफ वैल्यू हाई होने के चलते डेल्टा टीएफ वैल्यू जो आएगी ऑब्जर्वेबल आएगी, है ना, ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। सो जब भी आपको मॉलिकुलर मास वगैरह डिटरमाइन करना होता है तो आप या तो हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वाला कोई चीज लीजिए या तो हाई इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट वाली चीज लीजिए, ठीक है, कम सैंपल में ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन तो सुबह भी कई बार हम कराए कि आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा चीज, डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। डेल्टा एस मिक्सिंग फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, आइडियल के लिए ही नहीं किसी के लिए भी ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो भी है वो मतलब क्या होता है, वो माहौल गड़बड़ाता है ना, रैंडमनेस बढ़ती है यानी कि एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट इन दिस केस, मेरे ख्याल से हो गया आज का। सो इसी के साथ हमारा ये PYQ Part 2 भी ख़त्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने लेक्चर देखा,
ना? अगर हाँ, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है? तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, कुछ अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों के बीच में, ताकि ये वीडियो सीरीज मैं कंटिन्यू कर सकूं। और जिसको भी ये पढ़ना है वापस से, वो जाके टेलीग्राम लिंक से ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है, आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तो अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरा ये कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, और आप लोग प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग ये SHUBH कोड यूज़ करते हुए जाइए, ठीक है? मैं हर चैप्टर के लिए नितिन दो दो नहीं दो से मतलब मैं पांच पांच छः छः सेशन लेता हूँ हर चैप्टर के, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकूँ। सो कल से अपनी जो क्लासेस होंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, है ना? अगर देखिए, कल से हमारा जो टाइम टेबल होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। कल 11 बजे से 12 बजे तक मैं स्पेशल क्लासेस लूँगा, ठीक है? स्पेशल क्लासेस में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ शुरू से शुरू करूँगा, और एक एक कंसेप्ट के ऊपर चलूँगा मैं, ठीक है? हाँ, एक एक कंसेप्ट के ऊपर चलूंगा। जैसे मान लो कल मैंने नॉमन क्लेचर उठा लिया, तो मैं नॉमन क्लेचर के क्वेश्चन कराऊंगा, नॉमन क्लेचर पढ़ाता हुआ चलूंगा। परसों मैं मान लो ये क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म उठाया, तो मैं आइसोमेरिज्म की बात करते हुए इस पर क्वेश्चन करते हुए चलूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट एक दिन उठा लूंगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे कंसेप्ट को करता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है? किसी एक दिन मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स उठा लूंगा, तो उसके क्वेश्चन कर लेंगे, उससे थ्योरी कर लेंगे। किसी दिन मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लेंगे, तो वो करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में आपके पूरे सिलेबस को कवर करा सकूं, ठीक है? तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो करिएगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे सो मोराल बूस्ट होता है टीचर का, अच्छा लगता है। और जब कोई ये नहीं आता है तो आदमी शुरू में आता है बहुत एनर्जी के साथ, जब उसको लगता है कि इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो क्या करे वो फिर आप समझ सकते हैं। तो कल हमारा ये रहेगा, और 3 to 4 PM क्वेस्ट पे ही आऊंगा मैं इसी चैनल पे। यहाँ कल बचा हुआ है अभी एम्स का PYQ, एम्स PYQ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये हम लोग करेंगे कल 3 से 4, और 7 से 8 ये आज के लिए है। टुडे 7 to 8 लेट्स क्रैक नीट UG पे। आज मैं गैल्वानिक सेल शुरू करूंगा, ठीक है? तो जिसको थ्योरी पढ़नी है वो लेट्स क्रैक नीट UG पे आ जाया करे। हाँ, कल के बाद काइनेटिक होगा, काइनेटिक से ही शुरू करूंगा मैं कल के बाद, ठीक है? सो कल का अपना ये टाइम टेबल है, प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करिए आप लोग, ठीक है? सिंसियरली क्लासेस में आइए, और ये वीडियोस को अगर आपको लाइक अच्छा लगा है तो फिर इसको लाइक कर दीजिएगा, कुछ अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी लोग जरूर जाइए, और ये कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आगे की क्लासेस में आप लोग ऐसे ही रेगुलर रहेंगे। तो जाइए टेलीग्राम लिंक पे ये PDF डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड करके इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, एक बार रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? सो मिलते हैं कल और आज शाम को हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? लेट्स क्रैक नीट UG वाले चैनल पे, जहाँ मैं गैल्वानिक सेल्स स्टार्ट करूँगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, है ना? मिलते हैं कल, ठीक है? तब तक आप लोग जाइए ये प्रैक्टिस कर लीजिए।